जानते हो ये किसका बेटा है? सर कहता था इसके बाप का नाम रुस्तम है, मगर सर हो सकता है वो कोई दूसरा रुस्तम हो। हाँ लेकिन ये कह रहा था कि इसका बाप एक मामूली इंजीनियर था। लेकिन सर उसका बाप तो मर चुका है। It is possible. ये तुम्हारा पहला खत है। कोई प्रॉब्लम थी तो हमारे पास आ जाते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें क्या नहीं साहब ने बुलाया? सौरभ मैंने एक बात सोची है, बल्कि मैंने बहुत तुम्हें एक अपने छोटे से टेस्ट की इतनी क्यों फिक्र हो रही है? तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट पास कर चुकी हो और उसमें भी मेरी अम्मी ने तुम्हें पास किया है। मुझे लगता है तुम वाकई पागल हो गए हो। प्लीज़ सर आप यहाँ से जाओ। आई एम रियली एंग्री। पूछोगी नहीं कि किस टेस्ट में पास हुई हो? You? मेरी अम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया है और आज तुम्हारे पेरेंट्स से वो हमारी शादी की बात करने जाएंगे। इसे कत्ल करना है जी कल शाम तक। लेकिन मैं ये काम नहीं करता। अच्छा तुम ये काम नहीं करते? देखिए क्यानी साहब, जाबिर ने मेरे बच्चे को अगवा किया था। मैं उसे खुद मारना चाहता था। मैं खुद पुलिस के पास गया था। इसने मेरे 6 आदमियों को कत्ल किया, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? ये आदमी होटल में ठहरा हुआ है, हथियार ले जाना तो जरा प्रॉब्लम होगी वहां, लेकिन तुम तो इसे अपने हाथों से मार सकते हो। एक बात सुन,
वंडरफुल, इट वॉज अ नीट जॉब। जी हाँ, हमारी यही कोशिश होती है। आप लोग सिर्फ यही काम करते हैं? अजी नहीं, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस भी है। समझते हैं? दो एयरक्राफ्ट, हाईजैकिंग, नो पॉलिटिकल मूवमेंट। पहले भी हमें इसका एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। Oh, I'm so sorry. हमारे पास ये एक्सपर्टीज तो नहीं है, but you know, we will be getting it soon. Never mind. Your job was well done. जी हाँ, अभी तक मरने वालों की तादाद भी मुतय्यन नहीं हो सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी हम लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। वेरी सून हम आपको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। I'll remember that. तुमने वो नए लोगों की लिस्ट बनाई? काम हो रहा है सर, सब कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं 2-3 दिन में आपको सर रिपोर्ट दे दूंगा। और सौरभ? I need Sora. शुक्र है आप घर पे। वहां आपको पता है माल रोड पर बंद धमाका हुआ। अच्छा, इसीलिए इतना रश था। आप अपना मोबाइल फोन भी घर भूल गई थी। वहां मैंने सारा के घर फोन किया तो पता चला आप निकल चुकी हैं। कैसा अजीब जमाना आ गया है, देखो कितने लोग मर गए। मिसेस रुस्तम जी, आप कौन? मैं रुस्तम साहब का एक पुराना वाकिफ हूँ। मैंने सुना है कि उनका इंतकाल हो गया। कब हुआ? आप कौन बोल रहे हैं? क्या ये वही रुस्तम हैं जो ज्ञानी सेठ के पास नौकरी करते थे? जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप ये क्यों कहते हैं कि वो मर चुके हैं? वो मर चुके हैं। अम्मी, कौन था? कोई रॉन्ग नंबर था, ऐसे ही कोई तंग कर रहा था। क्या अब्बू का कोई पूछ रहा था? नहीं। हाँ हाँ, शायद। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करूंगी। सारा के घर वालों ने तुम्हें अगले सैटरडे बुलाया है।
सर आप, तुम पागल हो? कल तो खुशी से आसमान पर बैठे थे, आज जब खुश होने का मौका है तो इस तरह से बैठे हो जैसे महात्मा बुद्ध तुम्हें अपनी वसीयत में अपना अकलौता जानशीन मुकर्रर कर गए थे। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सारा, अम्मी बहुत अपसेट है। पता नहीं कौन हमारे घर फोन करता है, क्या कहता है, शायद डैडी के बारे में कुछ। अम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। ओ आई सी। वो मुझे भी नहीं बताना चाहते। कोई ऐसी बात है, मुझे लगता है। लेकिन सौरभ, तुम्हारे परेशान होने से कोई मसला तो हल नहीं होगा ना? मुझे लगता है ये भी मेरा कसूर है। तुम्हारा? जब तक ये पुलिस वाली बात नहीं हुई थी सब ठीक था। देखो सौरभ, तुम जितने बड़े क्राइसिस से गुजरे हो, अगर इस तरह किसी और के साथ होता, इस तरह का ट्रोमा, तो शायद मैं नींद की गोलियां खा रहा होता। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। चलो, लेट्स गो। शाहिद, मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसी रुस्तम का बेटा है। कौन है तुम? मैं बहराम का इंतजार कर रही हूं। और तुम? मैं उसे कत्ल करने आया। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी कोई दुश्मनी है उससे या तुम प्रोफेशनल किलर हो? वो मेरे सेठ का दुश्मन है। ओके। तुम अगर बहराम को कत्ल करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बाजारी औरत हो।
मैं एक बड़े आदमी की बीवी हूँ। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हम फिर मिलेंगे। Well done. Thank you, sir. Rakh lo ise. कब तक खाली हाथ लड़ोगे? आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुरा समझते हो? और तुम क्या हो? अच्छे आदमी हो या बुरे? यहाँ कोई अच्छा बुरा नहीं। हर शख्स में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी। तुम बहराम को कैसे जानती हो? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं उसे वहां कत्ल करने गई थी और फिर तुम आ गए और मेरा काम तुमने कर दिया। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो। हाँ, वैसे तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही और ना ही मुझे अच्छी लग रही। तो फिर यहाँ आए क्यों? इसलिए कि तुमने बुलाया था।
मैं जो भी कहूंगी वो करोगे? देखो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। फिर कब मिलोगे? कौन हो तुम? तुम अफरासयाब हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं हूं रुस्तम और मुझे कैनी सेठ ने भेजा है। हाँ, और तुम्हें ट्रॉलर्स वापस चाहिए? नहीं, ये बताने आया हूं कि जिन ट्रॉलर्स पे तुमने कब्जा किया था वो हमने वापस ले लिए। झूठ बोलती हो तुम। रुस्तम झूठ नहीं बोलता, और तुम अब उन ट्रॉलर्स की तरफ वापस नहीं देखना, इससे कि मैं अब कयानी के लिए काम करता हूं। ये बात तो कयानी भी मुझे टेलीफोन पर बता सकता था, फिर उसने तुम्हें क्यों भेजा है? बादशाहों का ये कायदा होता है कि जंग होने से पहले वो अपने सफीर भेजते हैं, और यही फर्क होता है बादशाहों में और लुटेरे में। लुटे ओह माय गॉड। एंड यू थिंक कि तुम यहां से जिंदा वापस चले जाओगे? ये तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा तो तुम सब भी जिंदा नहीं रहोगे।